शहद जैसे जीवन की मिठास, जैसे खुशी का एहसास, जैसे आपकी और हमारी बात, जैसे रेशम में लिपटी मीठी सी रात। जिंदगी के जितने सुखद एहसास हैं उन्हें शहद के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है। शहद हमारे खाने में प्राचीन समय से शामिल है और आज तक हमारे बीच शहद की मिठास हमेशा की तरह कायम है। वो सिर्फ भोजन ही नहीं, भजन में भी, दवाई में भी, शुभ कार्यों में भी, मंगल आचरण में भी शहद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी म्यूटेजेनिक, एंटी ऑक्सीडेंट और प्रीबायोटिक माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सकीय गुणों से भरपूर ये मीठा अमृत फूलों से बनता है और इसे बनाने वाले कारीगर मधुमक्खियाँ होती हैं। आम जानकारी कुछ यूँ है, मधुमक्खियाँ फूलों से रस लेती हैं और उससे शहद बना देती हैं। शहद बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर आता है उस शहद को इकट्ठा करना और उसे खाने योग्य बनाना। इस प्रक्रिया को शहद का प्रसंस्करण कहते हैं और आज हम यहाँ शहद के इसी प्रसंस्करण की प्रोसेसिंग की बात करेंगे। हनी प्रोसेसिंग का उद्योग लगाना बहुत ही आसान और फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए शहद के छत्ते से निकालने के लिए हनी एक्सट्रैक्टर और शहद को रखने के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक के डब्बे, शहद को ढोने के लिए वाहन, शहद को गर्म करने के लिए कई तरह के हीटिंग सिस्टम होते हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं, स्टेशनिंग और फिल्टरेशन के लिए नायलॉन के कपड़े वाले बैग और जैकेटेड टैंक विद स्टेरिंग आर्म, प्रेशर फिल्टर, हनी मॉइस्चराइजेशन रिडक्शन यूनिट या PMFME यूनिट, बोतल में बंद करने से पहले शहद जमा करने के लिए टैंक, शहद की बोतलों को बंद करने के लिए बोतलें, बोतलों में लगाने के लिए लेबर। तो आइए शुरू करते हैं अपना हनी प्रोसेसिंग की यूनिट का काम। ये तो हुई इस काम में प्रयुक्त होने वाली मशीनें। इनके अलावा आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट के प्रिमाइसिस की ज़रूरत होगी जहां आप अपने इस उद्यम के लिए मशीनें लगा सकें व शहद को स्टोर कर सकें। उद्यम में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों के लिए उपयुक्त विद्युत लोड एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें आपको इंडस्ट्री ग्रेड विद्युत लोड चाहिए होगा। कर्मचारियों में आपको 10 से 12 कुशल कर्मचारियों के अलावा एक शहद विशेषज्ञ एवं एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। शहद की पहचान अपनी गुणवत्ता से होती है, इसीलिए आपके उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल की बहुत अहमियत होती है। इस उद्यम में निवेश आपके उद्यम के आकार के अनुसार होता है, फिर भी मशीनों और अन्य ज़रूरतों के अनुसार 50 से 60 लाख रुपए के निवेश के साथ इस उद्यम को शुरू किया जा सकता है। उद्यम में निवेश के साथ ही इससे होने वाले लाभ की बात सामने आती है। शहद के प्रसंस्करण का ये उद्यम 25-30% तक लाभ दे सकता है। शहद उद्यम में लाभ का सीधा संबंध शहद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। और अब अंतिम ज़रूरत है उद्यम के रजिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए आपको चाहिए GST नंबर, उद्योग आधार नंबर और FSSAI नंबर। ये नंबर आपको फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलते हैं। अपने उद्यम के रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे आवश्यक होता है प्रसंस्करण के बारे में जानना। इस वीडियो में आपको शहद के प्रसंस्करण की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। प्रोसेसिंग की इस प्रक्रिया को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक अच्छे शहद का मानक क्या होता है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है जिसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने 1981 में द कोडेक्स स्टैंडर्ड फॉर हनी को अपनाया, जिसे 1987 में और फिर साल 2001 में संशोधित किया गया। अब दूसरा भारतीय मानक होता है जिसके लिए द यूरोपियन काउंसिल की सिफारिशों पर बनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय मानक के लिए FSSAI यानी फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स का गठन किया गया है। यहाँ ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कोडेक्स ने ही शहद की परिभाषा दी हुई है जिसके हिसाब से शहद की गुणवत्ता को मापा जाता है।
इनके अनुसार शहद एक प्राकृतिक मीठा तत्व है जिसे मधुमक्खियों द्वारा पौधों या पौधों के कुछ हिस्सों द्वारा बनाया जाता है। इस परिभाषा को संशोधित किया गया और अब वो प्राकृतिक मीठा तत्व जो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है उसे शहद कहते हैं। आइए अब शहद की विभिन्न किस्मों के बारे में जान लें। जब मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए मुख्य रूप से किसी एक पौधे या फूल के रस यानी मधु से बनाती है जिसके पॉलेल या रस की मात्रा 45% से ज़्यादा हो उसे मोलोफ्लोरल यानी एक पुष्पीय मधु या शहद कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। इसमें जिस पौधे का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है उसके अनुसार ही शहद का रूप गंध स्वाद व गुण सुनिश्चित होता है। ऐसा शहद दो तरह की परिस्थितियों में बन सकता है। पहला, जब उस इलाके में वो पौधा मुख्य रूप से पाया जाता हो ताकि मधुमक्खियों को रस के लिए उसी पर जाना पड़े, और दूसरा, बी कीपर या मधुमक्खी पालक बहुत ध्यान देते हुए हाइव बनाए ताकि उससे शहद निकालने का समय उस पौधे के फलने के समय के साथ मैच कर सके। मल्टी फ्लोरल हनी या बहुपुष्पीय शहद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कई फूलों या पौधों के रस से बनता है और इसमें किसी भी एक फूल या पौधे की पॉलन की मात्रा 45% से कम होती है। पौधों के हिसाब से शहद की विभिन्न किस्मों के बाद शहद की किस्म इस बात से तय होती है कि उसे बनाया किस तरह से गया है। इसमें एक्सट्रैक्टेड शहद, प्रेस शहद, ड्रेन शहद, कॉम शहद, क्रीम शहद, चंग शहद की किस्में होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक हनी भी होता है जिसे एपीएरिस द्वारा बनाया जाता है, जिनके पास ऑर्गेनिक हनी का सर्टिफिकेट होता है। तो शहद के बारे में इतनी जानकारी हासिल करने के बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि शहद के प्रसंस्करण का सही तरीका क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि शहद के प्रसंस्करण का क्या तरीका है। इसमें सबसे पहले होता है हार्वेस्टिंग और कच्चे शहद को लाना, दानेदार शहद को तरल रूप में लाना, शहद को स्ट्रेन करना, शहद को छानना, शहद में नमी को कम करना, पॉस्टराइजेशन करना, शहद को ठंडा करना, शहद को बोतल बंद करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शहद को इकट्ठा करने की विधि और उसे ले जाने का तरीका।